प्रिपेयर हो गए, यहाँ से निकलेंगे। ओहो बूम। तो ये है मोटिवेशन भैया, देखो तिरंगे के लिए प्यार। हे गाइज, वेलकम टू दी चैनल सत्यम मोटो व्लॉग्स, एंड आई एम सत्यम तिवारी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। गाइज, आप जैसे मेरे पीछे भी देख रहे होगे भाई, अपनी टीरेक्स में भी खड़ी, साथ ही साथ में भाई 15 अगस्त यानी अपना इंडिया फ्लैग भी लगा, इंडिया का फ्लैग। साथ ही साथ में इससे आपको आइडिया लगेगा कि आज है 15 अगस्त, और सबसे पहले आप सभी को भाई 75वीं अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बस बधाइयां हैं। आज का दिन एकदम बढ़िया राइड वाइड है, तो देख रहे होगे भाई, बस मैं अभी नहा धो के जल्दी से उठाऊँ और 10 मिनट में बस रेडी हो गया फटाफट से। तो अभी टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो फटाफट से निकलेंगे हम और डायरेक्ट मिलेंगे मीटअप पॉइंट पे 10:90 पे, जहाँ पर सब लोग गैदर हैं। और बाकी टीरेक्स अपनी रेडी है, पीछे झंडा भी हमने फिटअप कर दिया है और हेलमेट भी रखा है, बस फटाक से निकलते और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। सो लेट्स गो गाइस। ऑल राइट बड़ी, सो फाइनली आज भाई अपन लोग निकले हैं 15 अगस्त की राइड पे, और इतना मतलब जोश भरा माहौल है क्योंकि इस बार अपने पूरे इंडिया में बहुत तगड़ी सी हाइप बनी हुई है भाई इस चीज़ की यार। मतलब 75th अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप के साथ, हर घर तिरंगा, अमृत महोत्सव, ये सारे कुछ ऐसे मतलब इवेंट्स हैं उनके साथ मनाया जा रहा है, तो काफ़ी मज़ेदार यार, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक वाली चीज़ है। और साथ ही साथ में बात करूँ तो भाई आज मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है राइड करने लायक वाला, तो मतलब लिटरली आज का जो दिन है भाई वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई 10:90 पे। भाई क्या हाल है? क्या हाल है भैया, आप बताइए। बढ़िया और भैया कैसे? और साकेत भैया, ये रोस्ट कर दिए थे, ये फंस गए। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग सभी लोग प्रिपेयर हो गए, यहाँ से निकलेंगे। ओहो बूम। ठीक है ठीक है। रेडी गाइस, निकलते हैं। क्राउड देखो कितना भयंकर है भाई, रिएक्शन ओपी। भाई पूजा के रोले है भाई साहब, भाई भूजा से फिर रिएक्शन जो मिलता है ना लोगों का, ये देखो भाई साहब गजब है। So let's go boys. All right boys, so ride अपनी हो चुकी है कंटिन्यू, और अभी सब लोग एकदम भाई लाइनअप में चल रहे हैं। आप मेरे आगे देखेंगे सब लोग लाइनअप में हैं, लीड करने पे विपिन भैया हैं, और पीछे भी अपने सारे भाई लोग हैं। मिरर में आप देख सकते हो, मिरर में से हालांकि शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि यार रिफ्लेक्शन काफ़ी छोटा आ रहा होगा। बाकी भाई अपने फोटोग्राफर्स हर जगह हैं, ये देखो बहुत से भाई बहुत से बढ़िया है भाई। आज अपने साथ पे पीछे लगा हुआ है जब तिरंगा ना, तो बहुत प्यारा लग रहा है बाइक पे। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने कोई मोटो व्लॉग नहीं किया था, सिर्फ नॉर्मल ड्रैग रेसेस या फिर रिव्यूज़ ही वगैरह कर रहा था मैं। सो आज मैंने सोचा क्यों ना यार लाइफ स्टाइल व्लॉग भी थोड़ा बहुत करा जाए, क्योंकि यार अपने को व्लॉगिंग में भी आना है, हमेशा रिव्यूज़ करने में ही मज़ा नहीं आती है जितनी मज़ा आती है भाई ऐसे लाइफ स्टाइल व्लॉग्स करने में। तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या सीन रहता है अपना। बाकी भाई आज का मौसम बहुत ही सही है भाई, नेक्स्ट लेवल। ओहो
भाई टनल में अगर बाइकर ने बूम बूम ना किया तो क्या ही बाइकर भाई। सो अभी हम 1090 से आ चुके हैं जनेश्वर साइड में। कॉर्नरिंग भाई साहब करने में ही मजा आती है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई अभी अपने अंडरपास पे और इस अंडरपास का नाम है उतरठिया पुल। सो फाइनली वी आर हियर एट नामधारी बजाज। सो हमने भाई नामधारी बजाज पे लिया था स्टे जहाँ पर हुई थी फ्लैग होस्टिंग, और फ्लैग होस्टिंग के बाद भाई हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा खाया पे यानी कि कोल्ड ड्रिंक और समोसा, और उसके बाद अभी जितने भी अपने साथ के भाई लोग थे बाइकिंग वाले वो सब गए हैं नॉर्मल चिल आउट करने, मतलब एक हाईवे टोस्ट है प्लेस वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ यहीं तक राइड किया था क्योंकि यार मेरा एक्चुअली में काफ़ी सारे प्लान्स थे तो मैं सोच रहा हूँ हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ। हम लोगों का अपना खुद का NGO है जो हम लोगों ने साथ में मिलकर खोला है, और उसके बारे में अगर इन डेप्थ में आपको जानना है तो आप उस पेज पे विजिट करिए हम लोग के NGO के इंस्टाग्राम पेज पे, तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और जो इंस्टाग्राम का पेज का हैंडल है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेक श्योर आप उसको जाके चेकआउट करिए और फॉलो भी करिए क्योंकि अच्छे अच्छे वहाँ पर आपको रील्स और फोटोज़ देखने को मिलते रहेंगे जो मेरे अपडेट्स होंगे, और आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमने गूगल फॉर्म का दे के रखा है ऑप्शन। सो अभी हम चल रहे हैं वहीं पर क्योंकि आज का जो हमारा NGO का प्रोग्राम है उसे भी अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि एक और कोई बाइकिंग का प्रोग्राम होगा तो उसे भी अटेंड करेंगे। सो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई देखो मैं एक्चुअली मैं ना लास्ट डे मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, एक दिन पहले यानी कि 14th August को काफ़ी सारे एक साथ मैसेजेस आए थे, नियर अबाउट मेरे पास 3 से 4 इन्विटेशन आए थे कि हर जगह अटेंड करना था, और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ कहाँ अटेंड करूँ। तो मैंने यहाँ पर तो एक छोटी सी राइड कर ली बाइकिंग में तो वो भी हो गया, और अब NGO वाला कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर चलेंगे बाइकिंग में और थोड़ा सा मज़े करेंगे। ऑल राइट बॉयज़, सो फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर भी, तो अभी तो भाई वेट कर रहे हैं अपने और मेंबर्स का। हाँ फेस्टिवल मनाते हो? हाँ हाँ इंडिपेंडेंस डे को भी त्यौहार की तरह मनाएंगे। वैसे मनाएंगे हाँ। चलो भाई अभी मेंबर्स का कुछ वेट कर रहे हैं, आ जाए उसके बाद फिर करते हैं फेस से स्टार्ट। सभी लोग यहाँ पर गैदर हो चुके हैं और अपने विशाल भाई आगे आए जो स्वीट लेके आए हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ कवर करते हैं और लोगों को स्वीट्स बांटेंगे हम लोग। यहाँ प्यार का रंग तिरंगा बनना है। सुबह से इधर निकाल, शक्ल दिखाओ, इधर घूमो, इधर घूमो, शक्ल दिखाओ। अधूरा इनका तिरंगा रह गया यार, पूरा तो करो। सोचा था भाई थोड़े से लड्डू लेके और पेंटिंग करके, तो सेम वही फेस पेंटिंग और लड्डू वाला प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया और काफ़ी बढ़िया चल भी रहा है अपना।
घुमा के गए थे ना। हाँ। फैमिली लेके आए थे मालिक के लड़के हैं। अच्छा अच्छा बगल में काम करते हैं ना। अच्छा अच्छा तो ये है मोटिवेशन भैया, देखो तिरंगे के लिए प्यार। देख रहे हो मोटिवेशन। हाँ भैया बच्चों को लेके आए, इतनी अच्छी फेस पेंटिंग लगी भैया को। ये एकदम वो साउथ वाली एकदम। सो गाइस फाइनली अपना हो गया था प्रोग्राम जो था फिनिश अप, और अपने को आयुष भाई ने भी ज्वाइन कर लिया था बीच में ही। और सीन ये है कि अगर मेरा चेहरा देखोगे तो भाई चेहरे के बच गए हैं 12 नहीं 24 बज गए हैं भाई। हालत हो गई है खराब एकदम भाई, डर्ट और पॉल्यूशन से भाई हालत खराब हो चुकी है। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, और वहाँ से थोड़ा पहले यार समझ रहे हो ना बस मॉल किस लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा फेस वगैरह वॉश करेंगे, फेस वॉश वगैरह पड़ा ही अपने पे। बाकी तिरंगा भी बनाया था हम लोगों ने, फेस पेंटिंग करी थी, सिर्फ अपने पे फेस पेंटिंग नहीं करती, काफ़ी बच्चों ने भी करी थी, आपने पूरा ब्लॉग देखा ही होगा आई थिंक। तो अभी चलते पहले फिनिक्स मॉल भाई, वहाँ पर थोड़ा सा लुक सुधारते हैं क्योंकि अभी हालत हो गई खराब, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, थोड़ा सा लुक सही कर लें। हाँ तो भाई फेस वगैरह थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था ना, काफ़ी ज़्यादा लेबर जैसा फेस हो गया था, और अभी प्यास व्यास लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो आ गए थे फिनिक्स के अंदर। अपने शेक्स वगैरह रेडी हैं, शेक्स ले रहे हैं और चलते हैं। मैंने लिया क्रंची चॉकलेट, तुम्हारा था स्ट्रॉबेरी मीठा मीठा। गाइस मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग आए थे 10:90 पे ही, और अभी वापस फिर से आ चुके हैं कार से 10:90 घूमते हुए, क्योंकि भाई अपने एरिया में काफ़ी लग रहा था बोर हम लोग को। आपने फाइनली यहाँ तक ब्लॉग देख लिया होगा, होप सो, क्योंकि आपको बढ़िया लगा होगा तो पक्का आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को कर देना लाइक। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को कर देना भाई लाइक, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना, और इंस्टाग्राम आईडी स्लैश और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है, मेक श्योर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोज आएंगी, रील्स आएंगी और अपडेट्स होंगे। इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं था, जो भी था सब भाई ऐसे ही चलता गया एक स्मूथ वे में, तो बढ़िया था यार, मज़ा आया आपको एरू में, और होप्स कि आपको मज़ा आया होगा देखने में। तो चलिए फिर इसी तरह की धमाकेदार किसी नई वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।